हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आप लोग के सामने क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। ठीक है, फंडामेंटल इट मीन्स बेसिक। ठीक है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन चलाने के लिए हमारा, जैसे कि एक देश डेमोक्रेटिक देश है, ठीक है, तो सब यहाँ पे विभिन्नता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो सभी को एक समान इक्वालिटी लाने के लिए हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स को बनाया गया है, ताकि कोई भी लोग एक दूसरे से भेदभाव ना करे, कोई भी रिलीजियस एक दूसरे से भेदभाव ना करे, ना रंग का भेदभाव, ना जात पात का भेदभाव। इसके लिए हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं और हमारे लिए कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी, जिसको हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो आइए हम लोग समझते हैं कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स पहले क्या होता है। पहले हम लोग समझेंगे फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। तो यहाँ समझिए, आपको बताते हैं क्या हमारा देश, आप लोगों को तो सबको पता है कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इट मीन्स ये लोकतांत्रिक कंट्री है, यानी यहाँ पे लोगों की प्रधानता है। तो ये एक भारत है, यहाँ डाइवर्सिटी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ के लोगों में भेदभाव को दूर करने के लिए हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को लाया गया है। तो चलिए इसको हम क्लासिफिकेशन के थ्रू समझेंगे कि फंडामेंटल को कितने क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। तो आइए समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वैसे तो फंडामेंटल राइट्स को 6 भागों में बांटा गया है, लेकिन 2002 में एक फंडामेंटल राइट्स टू एजुकेशन को भी इसमें इंक्लूड किया गया, तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स कितने हो गए, तो 7 हो गए। तो चलिए हम बारीकी से बताते हैं कि इसके बारे में कौन कौन से राइट्स हमारे हैं। तो चलिए पहला आता है हमारा राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब सबको एक समान अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, कोई भी यहाँ पर प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, इसमें जो जात पात की कोई भावना नहीं होती है। यहाँ पर लोगों की प्रधानता है, आम पब्लिक जो है वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ मिनिस्टर इत्यादि सभी का चुनाव करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इक्वालिटी सबके लिए, सबके लिए एक समान बराबर है। यहाँ पढ़ने की व्यवस्था हो, नौकरी की व्यवस्था हो, सबको एक समान मिला गया है। सेकेंड आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम इट मीन्स राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है कि सबको आज़ादी प्राप्त है, कोई भी इंडिपेंडेंटली अपना थिंक किसी को बता सकता है, कोई भी स्वतंत्रता से अपना सोच सबके सामने व्यक्त कर सकता है, कोई अपनी बात को फ्रीडम आज़ादी पूर्वक दूसरों के सामने रख सकता है। अगर कोई कार्य अच्छे से, अगर कोई नेता कार्य को अच्छे से नहीं कर रहा है, तो वो उसे अधिकार प्राप्त है कि उस नेता के खिलाफ उसको बता सकता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, ये सारी चीजें की उसकी आजादी मिली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ समझिए एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है। अगर कोई अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति पर आक्रमण करता है, मतलब कि अगर कोई अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति को नीचा दिखाना चाहता है, या फिर कोई नेता अपना पावर को यूज करते हुए किसी को हानि पहुँचाती है, तो उस चीज़ को लेकर भी हमारे लिए अधिकार प्राप्त है कि हम उसको ये कार्य को कर सकते हैं, ताकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी जगह हम जाकर इसके खिलाफ अपना एक्शन ले सकते हैं, ये भी अधिकार हमें प्राप्त है। नेक्स्ट हमारा आता है राइट टू फ्रीडम टू रिलीजियन। मतलब हर कोई को रिलीजियन यानी धार्मिक क्षेत्र में आज़ादी प्राप्त है। लोग जो धर्म चाह सकते हैं उसे, वो धर्म की आज़ादी पूर्ण रूप से उसे मिली हुई है। हमारे कंट्री में 18 वर्ष के बाद कोई भी युवा हो या फिर बालिका हो, कोई भी हो, उसको हर चीज़ में आज़ादी प्राप्त है, वो इंडिपेंडेंटली कोई भी कार्य को कर सकता है। हमारा नेक्स्ट आता है कल्चर एंड एजुकेशन राइट। हर कल्चर को, अगर मान लीजिए साउथ इंडिया हो गया या ईस्ट इंडिया हो गया, कहीं भी कोई भी आदमी अपना कल्चर, हर कल्चर के रूप में एजुकेशन को रख सकता है। जैसे कोई अलग सभ्यता का आदमी है और वो दूसरे जगह जाकर अपना एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है, तो वो उसे वो अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंडर्स। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब हमें संविधान को सही रूप से, मतलब कोई उसका गलत उपयोग ना करे, कोई उसको हानि ना पहुंचाए, उसके लिए हमें ये अधिकार प्राप्त है कि अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। फिर लास्ट हमारा आता है जो 2002 में आया था हमारा,
ठीक है, ये तो सिक्स जो था फंडामेंटल्स हमारे आज़ादी के बाद बना, लेकिन ये जो सेवन है ये 2002 ईस्वी में आया था कि राइट टू एजुकेशन, हर स्कूल हर घर में 6 साल से 14 साल से तक के बच्चों को पढ़ाई अनिवार्य है, ये सरकारी स्कूल में इसे अनिवार्य घोषित कर दिया था कि हर घर के बच्चे को, गार्जियन को ये ड्यूटीज़ दे दी जाती है कि हर घर के बच्चे को 6 साल से 14 साल के बच्चे को मुफ्त शिक्षा अभियान मिलेगा, यानी मुफ्त शिक्षा में मुफ्त शिक्षा की पढ़ाई होगी। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, राइट्स है। हम इसके खिलाफ अगर हमें कोई एक्सप्लॉयटेशन करता है या कोई हमें मेरे अधिकार को छीनता है तो हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसका एक्शन ले सकते हैं। तो ये इतना हमारा क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स। अब हम लोग आते हैं हमारा क्या है नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है। हम भारत के नागरिक हैं, जरूरी नहीं है कि भारत में जिसका मतलब जो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या आम आदमी हो, उसके लिए ही वो जानकारी, उसके लिए ही वो ड्यूटीज़ है। हम लोग आम पब्लिक के लिए ये ड्यूटीज़ है, क्योंकि हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक कंट्री के लिए ये अनिवार्य है कि लोग इस ड्यूटी को पूरा करें। हमारे फंडामेंटल में 11 ड्यूटीज़ है, हमारा ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल मतलब बेसिक कर्तव्य हमारा। पहला क्या होता है, रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। सबसे पहला बात ये है कि हमारे नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान, ठीक है, इस चीज़ का हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। कहीं भी झंडा गिरा हुआ हो उसका कभी लांघना नहीं चाहिए, उसे उठा कर रख देना चाहिए। कभी भी हमारे देश में नेशनल एंथम हो तो उसको खड़ा होकर उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, कभी बैठे बैठे नेशनल एंथम को सुनना नहीं चाहिए। तो ये ड्यूटीज़ किसका है, तो ये ड्यूटीज़ हमारा है। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड, फॉलो आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, फॉलो आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। कोई भी अगर हमें आज़ादी मिली है तो हमें उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई कानून अगर कहीं देखा जा रहा है कि उसका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी हमें एक्शन लेना चाहिए, ये हमारा ड्यूटीज़ है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे देश में जो एकता की भावना है उसको बरकरार रखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। नेक्स्ट मेरा आता है डिफाइन द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। सब ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे देश में अगर हमारी आवश्यकता हो, हमारी ज़रूरत हो, तो हमको उसके लिए तुरंत अनिवार्य होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। कहीं भी देख रहे हैं कि देश में कुछ गलत हो रहा है तो उसके प्रति तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। अब आइए हमारा स्प्रिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। सबसे बड़ा बात है कि हमारा भारत जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके लिए हमारे देश में शुरू से ये है कि हमारा देश एक एकता प्रधान देश है। ठीक है, तो उसके लिए डेमोक्रेटिक, उसके लिए हमें भाईचारा के रूप में रहना अति आवश्यक है। फिर हमारा आता है प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर। हमारे देश में कंपोजिट कल्चर है, मिक्स मतलब मिला जुला सभ्यता है, तो उसको अच्छे रूप से एकता के रूप से उसको पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा था डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। सबसे बड़ी बात ये कि डेवलप साइंटिफिक टेम्पर मतलब हमें वैज्ञानिक तौर पर भी एक दूसरे के साथ मिलकर देश को अधिक ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। आइए सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी जितना भी है हमें गार्ड के रूप में उसका देख रेख करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि ये सरकार ही करेगी, ये हमारा भी कर्तव्य है। हमारे देश में कहीं पार्क है, कहीं कुछ जू वगैरह कुछ भी, उसको कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए, ये हमारा एक गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें एक गार्ड के रूप में इसका देख रेख करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। ठीक है, हमें हमेशा अच्छा बनने का या हमारे देश को अच्छा प्रगति देने का प्रयास करते रहना चाहिए। फिर लास्ट हमारा था ड्यूटी फॉर ऑल पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years टू स्कूल। जैसा कि मैंने बताया था कि 2002 के अनुसार एक फंडामेंटल राइट जो था कि राइट टू एजुकेशन, कि हर 6 से 14 साल तक के बच्चे को पढ़ाई अनिवार्य है। उसी तरीके से हमारा 11 ड्यूटीज़ ये है कि हर गार्जियन या हर पेरेंट्स को ये सूचित, ये एक ड्यूटी के रूप में दिया जाता है कि जितने उनके घर में 6 से 14 साल तक के बच्चे, उनका एक स्कूल में एडमिशन कराया जाए, उनके लिए पढ़ाई करना एक अनिवार्य का क्षेत्र है। तो ये हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ क्या है। तो
तो इसको देखकर आप बुक में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लीजिएगा हमसे। चलिए, इससे आपके लिए इतना क्लास काफ़ी है, अभी हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।